अटल सरकार में डिप्टी प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होने के बाद AIIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तंज कसा है। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर आडवाणी और भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न के हकदार हैं। हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की कब्रें सीढ़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। बता दें कि आडवाणी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर इसको लेकर घोषणा किया और लिखा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री को देश के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। खुद 96 वर्षीय आडवाणी ने इस बारे में एक बयान जारी कर बताया कि वह पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से इस सम्मान को स्वीकार करते हैं। इस सम्मान के ऐलान होने के बाद जहां एक और पूर्व उप प्रधानमंत्री के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है, तो इसी बीच AIIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज भरा एक लेख वायरल हो रहा है। भड़काऊ भाईजान के नाम से फेमस ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर आडवाणी और भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर निशाना साधा। साथ ही लिखा कि लाल कृष्ण आडवाणी और भारत रत्न के हकदार हैं। हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की कब्रें सीढ़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं। वहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है, वो बयान पहले सुनिए। कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी ऐलान के साथ न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं बल्कि देश के तमाम उन लोगों ने खुशी जाहिर की है, उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मीडिया के सामने हाथ जोड़कर इस सम्मान को मिलने के बाद अभिवादन स्वीकार किया। उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी को मिले इस सम्मान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। वहीं देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्षी नेताओं ने भी इस सम्मान को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी को जो मिल रहा है उसे लेकर अपने बयान दिए और उन्होंने इसको लेकर खुशी जरूर जताई, पर कुछ नेताओं ने भी इसको लेकर सख्त लहजा अख्तियार किया। कई नेताओं ने आडवाणी के मिले इस सम्मान में खुशी जाहिर की लेकिन तंज भी कसा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस सम्मान को लेकर और इस भारत रत्न जो आडवाणी को मिलने वाला है उसे लेकर क्या कहना चाहते हैं आप, उसे कॉमेंट करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें।